नीट 2019 का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड दे रखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 आवर। जब वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे है, 6 RE की हाइट पे है, तो टाइम पीरियड कितना है। T1 के जो वैल्यू दे रखी है 24 आवर के बराबर, रेडियस कितना है RE के बराबर है। और दूसरे केस में क्या दे रखा है, जब वो कितनी हाइट पे है, 2.5 RE की हाइट पे है, तो T2 टाइम पीरियड, T2 की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे इस केस में हमें कैपलस थर्ड लॉ पता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² बाय में gm इनटू में ए क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे टी जो टाइम पीरियड हो जाएगा, ए जो है वो डिस्टेंस होगी अर्थ के सेंटर और इसके बीच के गैप हो जाएगा, हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पे T1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि 7 RE हो जाएगा, 7 RE का क्यूब। और T2 का रेशियो कर लेंगे, T2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 3.5 RE का क्यूब। तो सिंपल, अब हमें इसे सोल्व करना है, हमें सारी वैल्यू पता है। तो यहां से आपके पास T1 की वैल्यू दे रखी है 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय में T2 का स्क्वायर इक्वल टू 7 RE का क्यूब डिवाइड बाय 3.5 RE का क्यूब। तो RE के क्यूब से RE क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जैसे T2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 24 का स्क्वायर इंटू में 3.5 का क्यूब डिवाइड बाय में 7 का क्यूब, ये आ जाएगी आपके पास। इसको हम अगर थोड़ा ओपन कर लें तो T2 का स्क्वायर, मैं अलग पेन से कर दी, T2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपके पास 24 इंटू में 24 इंटू में 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और डिवाइड बाय में आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको कट करेंगे 0.5, ये आ जाएगा आपके पास 0.5, ये भी क्या आ जाएगा 0.5। तो यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 5/10, यानी कि 1000 इंटू में 5 इंटू में 5। तो इसको यहां पे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा आपके पास। तो T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 24 इंटू में 24 डिवाइड बाय 8 के बराबर। तो यहाँ पे T2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट 24 इंटू 24 डिवाइड बाय में 8 के बराबर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा T2 की वैल्यू 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पूरे का अंडर रूट। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, T2 इक्वल टू 24 डिवाइड बाय में 2√2, यानी कि आ जाएगा आपके पास 12 डिवाइड बाय में √2, यानी कि 6√2 आवर। आंसर कितना आ जाएगा, 6√2 आवर, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंपल यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए कैपलस लो पता होना चाहिए, टी स्क्वायर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।